प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लखीमपुर खीरी को राज्य का दूसरा तराई हाथी रिजर्व मिला है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लखनऊ प्रशासन अलर्ट है। लखनऊ के डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और संचालकों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में जगह मिले। ये शानदार तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया की हैं, जहां जरूरतमंदों के लिए कपड़ों का बैंक खोला गया है। जिलाधिकारी ने इसका शुभारंभ किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें शिरकत की। शानदार खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से निकलकर आ रही है, जहां पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य हाईटेक प्रयोगशाला का शुभारंभ हो चुका है, इससे स्थानीय लोग बहुत खुश। राजस्थान के कोटा में कैदियों वाले अनोखे पेट्रोल पंप की शुरुआत हुई है। अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को काम पर रखा गया है। तस्वीरें मणिपुर के इंफाल से निकलकर आ रही हैं, जहां देखिए मछली मेले का आयोजन किया गया। मेले में मछलियों में करीब 90 स्टॉल लगाए गए। शुभ समाचार गुजरात के आणंद से है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 67 जोड़ों की शादी हुई, हजारों लोग इसके गवाह बने।